मैं नहीं देने वाली, अपना खत्म कर लिया मेरा मांगो, मैं नहीं दूंगी। ओह नो। अच्छा नो, वो देख क्या? मैं मांगो लेके आ गई हूं भैया, मैं मांगो लेके आ गई हूं मम्मा, भैया मांगो मम्मा, मैं मांगो लेके आ गई हूं मम्मा, मम्मा देखो ना राहुल, तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों जैसे लड़ते रहते हो, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? नहीं नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है, ये देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मम्मा भैया ने अभी मेरे को पकड़ा, सच्ची में वो मेरा मैंगो छीन के भाग गए, मम्मा उनको समझाओ ना मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बस करो तुम दोनों लड़ना, तुम्हें पता है ना मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, ऐसे तुम लोग लड़ोगे तो कैसे मैं जाऊंगी। और राहुल तुम तो बड़े हो ना, तुमको इसका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी छोटी बहन है ना। मम्मा मैं तो बच्ची हूँ, आप भैया को समझाओ वो बड़े हैं। मम्मी ये ना हर बार बच्ची होने का फायदा उठाती है, और आप ही ने ना इसे सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा चलो मुझे बहुत लेट हो रहा है, लड़ाई करना बंद करो, और हाँ तुमको इसका ध्यान रखना है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ठीक है मम्मी, डोंट वरी, मैं चुड़ैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मम्मा आपने देखा भैया ने मुझे चुड़ैल बोला, मेरा मतलब मेरी प्यारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस करो अभी लड़ना, चलो तुम लोगो मुझे निकलना है, बहुत लेट हो रहा। ओह नो, देखो मैं मांगो लेके वापस भाग गए, मैं मांगो तो लोग के चक्कर में मुझे लेट हो जाएगा, लोग की लड़ाई बंद हो ही नहीं सकती। चलो बेटा अनु मैं जा रही हूँ, और राहुल अनु का ध्यान रखना, लड़ाई बिल्कुल मत करना, और लेट तक सोते मत रहना, उसको टाइम से स्कूल भेज देना। ठीक है मम्मी, आप टेंशन ना लीजिए, हम दोनों जा रहे हैं, तुम ये घर में बड़े हो, तुमको ध्यान रखना है उसका। ठीक है मम्मी, आप ध्यान रखना अपना, ठीक है, चलो बाय, लड़ाई नहीं करना। यार क्या बनाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनु से पूछना पड़ेगा। अनु। हाँ भैया। क्या खाएगी तू? क्योंकि देख मैंने पूरा किचन छान मार लिया, कहीं कुछ भी नहीं है, तो मैं तेरे लिए सैंडविच बना दूँ। भैया आप सैंडविच बनाओगे? आप तो पानी भी गर्म नहीं कर पाते भैया। आप चिंता मत करो, आपने फ्रिज चेक किया? नहीं। मम्मा ने खाना बना के ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था, आप गर्म कर लोगे ना, या तो वो भी मैं ही करूँ? थैंक गॉड बचिया। एक सेकंड, तुझे क्या लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकता? अरे वो तो मम्मी ने ऑलरेडी बना दिया था, वरना मैं ऐसा खाना बनाता ना, इतना अच्छा खाना बनाता ना। खैर जान दे, चला जा हम खा लेते। चल अब खाना हो गया, अब तू जल्दी से सो भी जा, वरना कल स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है? और सुन ना, तो अपनी सो तो जाएगी ना, डरेगी तो नहीं? ओह नो भैया, मैं छोटी सी बच्ची नहीं, मैं बड़ी होगी, मैं कुछ सो सकती हूँ अकेले, वो भी बिना डरे। अच्छा ठीक है दादी अब्बा, अब आप जाओ और सो जाओ, तब तक मैं भी प्लेट रख देता हूँ। ठीक है भैया, मेरा भी प्लेट रख दो ना। हाँ दे। ठीक और सो जाना, गेम मत खेलना। हाँ मैं गेम नहीं खेलूंगी। तो दर्द क्यों हो रहा है? Okay.
गॉड 7 बज गया, उनको स्कूल जाने के लिए भी लेट हो गया, तब वो भी सो रही है। ये स्कूल नहीं गई तो मम्मी मुझे मारेगी, उठाने भागता उसे। अनु तो अब तक सो रही है स्कूल के लिए लेट। तू रो क्यों रही है अनु? क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रही है? स्कूल नहीं जाना? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो खराब नहीं है ना? देख रहे थे बुखार है भैया। वो तुझे मम्मी की याद आ रही है? वो स्कूल नहीं जाना तो मत जा, बट मुझे रोने का तेरा रीजन बता दे। एक आम का तू इतना बड़ा बदला ले रही है मुझसे। तुझे 10 आम ला के देता हूँ यार, तुझे चॉकलेट भी ला के देता हूँ, तुझे घुमाने भी लेके चलता हूँ। क्या हो गया अनु? मुझे बस आप अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना। अरे ये क्या बात हो गई? अच्छा सुन, तेरे लिए मैं तेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे ना मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि तुझे भाई से तो प्यार है ही नहीं। और तू यही बैठ, मैं तेरे लिए फटाक से बना के लेके आता हूँ, और तू टेंशन मत ले, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, रुक जा। मैं किससे बात करूँ? मम्मा का तो फोन स्विच ऑफ है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती हूँ, मैं रिया को कॉल करती हूँ। हेलो रिया। हाय अनु, क्या हुआ? तू स्कूल क्यों नहीं आ रही? रिया रिया मुझे तेरी मदद चाहिए, क्या तू घर में आ सकती मेरे अर्जेंटली? क्या हुआ, सब ठीक है क्या? तेरी तबीयत खराब हो गई क्या? कुछ हुआ क्या अनु, बता। वो क्या है ना, अच्छा तो ये बात है? अरे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब बस ये कि तू बड़ी हो गई है। इसने ना पीरियड्स कहते हैं। तेरे बिल्डिंग के नीचे एक मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से तू पैड ले ले। अच्छा सुन, मुझे मेरी मॉम बुला रही, मेरी बस आ गई है, मैं तो शाम को मिलकर सब समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है? चल बाय। लेकिन रिया रुक, रिया रिया उसने तो फोन ही काट लिया, अब मैं क्या करूँ? मैं किससे बात करूंगी? मम्मा का तो फोन स्विच ऑफ है, भैया से बात करूं क्या? ये देख, ये लाया मैं तेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट, और ना ये बिल्कुल भी जली हुई नहीं है, पी। भैया मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। देख अनु, मैं तेरा ना सिर्फ एक भाई नहीं हूँ, एक अच्छा दोस्त भी हूँ, तो कुछ भी हो तेरे साथ मुझसे शेयर कर, बता तेरे साथ क्या हुआ। भैया मुझे पीरियड्स है। छी, कोई ऐसे बात करते अपने भाई के साथ? थोड़ी सी भी अक्कल है किसके सामने क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं? ये तुम लड़कियों की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लड़के क्या कर सकते हैं? तुम्हें ये चीज हर महीने आनी है, तो इसका मतलब ये कि तुम हर महीने ये ड्रामा करोगी? तुम्हारे ये ड्रामा के लिए मैं सुबह 7 बजे से उठा हुआ हूं। देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब अपना ड्रामा बंद करो और स्कूल जाओ, ठीक है? और अगली बार से ना ये ड्रामा हमारे सामने मत करना, उठो और स्कूल जाने चाहिए तुम। नहीं नहीं, नहीं भैया से बात नहीं करूंगी। ये देख, ये लाया मैं तेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट, और ना ये बिल्कुल भी जली हुई नहीं है, पी। भैया मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। देख अनु, मुझे सब पता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तेरी और रिया की सारी बातें सुन ली है। भैया आपको क्या पता है? यही कि जो तेरे साथ हो रहा है उसे ना पीरियड्स कहते हैं, और ये हर लड़की को हर महीने होता है, ये नेचुरल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतनी सी बात में घबरा मत। भैया आपको कैसे पता है इसके बारे में? मेरी फ्रेंड्स है ना, उन्हें भी होता है, और इसके बारे में खुद मैंने भी पढ़ा है, इसमें जैसे मूड स्विंग्स, क्रैम्स, ये सब भी होते हैं। किसी को ये 4 दिन होता है, तो किसी को 7 दिन होता है, सबको अलग अलग, लेकिन 4 से 7 दिन तक ये रहते हैं। 4 से 7 दिन? देख अगर मम्मी होती ना, वो तुझे इस बारे में और अच्छे से समझाती, मगर वो है नहीं, तो मम्मी शाम तक आ जाएगी,
तब तक मैं तेरे लिए जाके पैड्स ले आता हूँ, ठीक है? जब तक तू ये हॉट चॉकलेट कॉफी का मजा ले, तुझे आराम मिलेगा और तुझे अच्छा भी लगेगा, ठीक है? मैं लेके आता हूँ पैड्स। ये ले लो, मैं तेरे लिए पैड्स ले आया और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? याद रखता हूँ। थैंक यू भैया, आपने तो मम्मा से भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखा मेरा। अब सुन, तू अपना ख्याल रख, आराम कर, अब मैं तेरे लिए एक मस्त सा टेस्टी खाना बनाता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, ये बार जलाऊंगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी पीरियड आए तो चिंता मत कीजिए, एक नॉर्मल चीज है। और कभी भी आप शाय फील मत करना अपने फैमिली मेंबर से बात करने में या अपने दोस्तों से बात करने में। तो गाइज, ये थी मेरी फर्स्ट पीरियड की स्टोरी। गाइज, कमेंट करके बताना आपकी फर्स्ट पीरियड की स्टोरी क्या थी। और गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन #coolstreakff, आपने एकदम सही गेस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।